नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। बिहार की राजनीति में सुशासन बाबू के नाम से मशहूर नीतीश कुमार के नए कैबिनेट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को सातवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नीतीश कुमार लगातार चौथी बार प्रदेश के सीएम बने हैं। उनके साथ भाजपा विधानमंडल दल के नेता चुने गए तारकिशोर प्रसाद उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। तारकिशोर प्रसाद के अलावा रेणु देवी ने भी डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है। नीतीश कैबिनेट में 14 लोगों ने मंत्री पद का शपथ लिया है। इसमें 7 भाजपा, 5 जेडीयू, 1 हम और वीआईपी पार्टी के नेता शामिल हैं। मंगलवार को मंत्रियों को उनकी विभागों का बंटवारा कर दिया गया। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर और इलेक्शन वॉच द्वारा बुधवार को जारी ताजा सूत्र के मुताबिक नीतीश कैबिनेट में शामिल 57% यानी कि कुल 8 मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इन 8 मंत्रियों में 4 भाजपा, 2 जेडीयू और 1 हम व वीआईपी पार्टी के नेता शामिल हैं। इनमें पहला नाम भाजपा के जीवेश कुमार के खिलाफ 5 आपराधिक मामले और आईपीसी के तहत 4 गंभीर मामले दर्ज हैं। इसी तरह पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री वीआईपी पार्टी के नेता मुकेश सहनी के खिलाफ 5 आपराधिक मामले और आईपीसी के विभिन्न धाराओं के तहत 3 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। नीतीश कैबिनेट में 5 अन्य नेता भी हैं जिनके खिलाफ अलग अलग तरह के मामले दर्ज हैं। बताते चलें कि जब से नई सरकार में कैबिनेट मंत्रियों का नाम फाइनल हुआ है उसके बाद से विपक्षी पार्टी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोल रही है। अभी विपक्ष के निशाने पर नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री बनाए गए मेवालाल चौधरी हैं। हाल ही में राजद ने मेवालाल चौधरी का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि बिहार के नए शिक्षा मंत्री को राष्ट्रगान भी नहीं आता। आपको बता दें कि मेवालाल चौधरी के मंत्री बनने के बाद से ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की काफी आलोचना हो रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। धन्यवाद।